Hey guys, welcome back to Vlogging Mantesh. I hope आप सभी ठीक होंगे. और सुबह हो चुकी है आखिरकार, लगभग रात को 2-3 बजे हम सोए थे. और पहले आधे घंटे तो इनको उठाने में लगा, आधा घंटा कॉल करते हुए नॉन स्टॉप, फिर इन्होंने कॉल उठाया, फिर गेट खोले, उसके बाद हम आए फ्लैट पे, उसके बाद सोए हैं और सुबह 11 बजे उठे. और रात को बहुत मुश्किल है, मतलब एक कह सकते हैं मरते मरते बच्चे. अभी हाल पीछे ही देख लो आप, 2 दिन हुए नहीं बारिश होने को और यहाँ पर दरिया बनने लग गया, गंगा का पानी यहाँ पर आ पहुँचा है. तो ये बिहार का पटना का हाल है. खैर क्या कर सकते हैं, सुबह हुई है और आज का कुछ प्लान है, कहाँ निकलेंगे वो दिखाते हैं और बताते हैं. थोड़ा वेट कीजिए. ये देखिए पटना का मरीन ड्राइव है और ये हीरो को देखिए, उसी टाइम से लहरिया मार रहे हैं. ये देखिए तीन तीन लोग बिना और अपील हरकत. घर से हम निकले थे एक्चुअली जेपी सेतु पे आने के लिए, क्योंकि जेपी सेतु पे जब रात को यहाँ से जा रहे थे, जैसा मैंने बताया लास्ट वीडियो में, पानी इतनी तेज उछला गाड़ी पे और जिसकी वजह से बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होने वाला था और शायद हमारी गाड़ी यहाँ से नीचे जाती. और पर बच गए, भगवान का शुक्र है. और उस चीज़ को कवर करना था, दिखाना था कि ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ है, हम पहले इंसान नहीं है, ऐसे और भी बहुत से लोगों के साथ हो चुका है और होता रहता है. अगर पानी ऐसे ही जमेगा इसके ऊपर तो ना इस ब्रिज की टाइमिंग ज़्यादा रहेगी, लाइफ टाइम ज़्यादा चलेगा ये, और ना ही लोगों की सेफ्टी सिक्योर की जा सकती है यहाँ से. तो इस बारे में कवर करना था. पर रास्ते में आते आते जो दिखा रास्ते में, भाई मरीन ड्राइव पर 2-3 कपल दिखे हमें और बाइक पर क्या बकचोदी कर रहे थे वो लोग. और जैसे ही आगे देखा उन्होंने चेक पोस्ट पुलिस को, तो वो रुक गए, वहाँ से यू टर्न लिया, लड़की को उतारा और भागने लगे. पर उसकी भी वीडियो तो बन चुकी थी, बिचारों की चलान भी कट गया उनका. और ऊपर से लड़की का तैश बहुत था, लड़की बोली मतलब तुम समझ क्या रहे हो, कैमरा क्यों ऑन किया, बंद करो, मतलब फुल बकचोदी. पर जब बात सामने आई, वीडियो बना, हम लोग सामने आए खुलकर, तो बेचारी डर गई यार, कांपने लगी. खैर ऐसी बकचोदी होती रहती है, हर जगह होती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है. जहाँ कपल होंगे वहाँ तो ऐसा होगा ही, पर बड़ा बात यह है कि इस जेपी सेतु को जो पानी लगा हुआ था, ये पानी किसी की जान लेने का कारण ना बने और कभी हम इस गंगा में जाकर गिर ना जाए, इसलिए इसको कवर करना ज़रूरी था. तो खैर इसको भी वीडियो कर लेते हैं, तब तक आप लोग चिल करो, थोड़ी देर में बताता हूँ आगे का. गाइज मौसम तो बहुत तगड़ा था और आइडिया भी लग गया था कि बारिश होगी और वही हुआ, बारिश होनी शुरू हो गई. हालांकि अभी हम गांधी मैदान में हैं और आसपास यहां पे और थोड़ा समय लगने वाला है मुझे पता है, क्योंकि जैसे माहौल है अगर 10 लोग मिले हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है 1 घंटा तो ख़राब होगा ही, अगर शहर कोई 5-5 मिनट कुछ बोले भी तो भी. तो हालांकि 1 घंटा से ज़्यादा टाइम लगने वाला है, कुछ करेंगे नहीं, गांधी मैदान में बस बैठेंगे इधर उधर और वही बकचोदी होगी थोड़ी सी. तो खैर कोई खास होने वाला नहीं है अब, तो मैंने सोचा इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से, एक नई दिन और नए एनर्जी के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.